अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? बाला तो हम लोग जा रहे हैं लड़के घर पर और जो है मैं हो गई रेडी। आज मैंने इस कलर का ड्रेस पहना है। कैसा लग रहा है? ये मेरी घर की चाबी मुझे क्यों दे दो? चलें फ्रेंड्स, और जो है हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा पानी शानी पी रहे हैं। और क्या पानी पीना है आपने? ये ले, चले हम निकल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से मछली के बाद। हस्बैंड ले रहे हैं यहाँ से मिठाई और वो अंदर है और शेल्टर गिर गया है। ओह नो, मिठाई लेकर आएंगे तो फिर हम पहुँच जाएंगे नंद के घर पर। फिर मिलते हैं आपसे। वो खड़े ना फ्रोजी कलर की शर्ट पहन के, वही खड़े हैं मिठाई ले रहे हैं। ये देखे फ्रेंड्स, हम आ गए हैं महाबर के घर। ये महाबर है और ये मीरा बैठी है महाबर के पास। बहुत रो रो कर तंग कर कर खिलौने चाहिए। अब महाबर के पास खिलौने कहाँ से आएंगे? मेरे पास नहीं है अभी। मंगाया मेरे पास है, मेरे पास है। ईशान भाई के पास है खिलौने, अलमारी के ऊपर रखे हैं। मैं ला लूं, मैं ले लूं। मेरा भी ले लो, मेरा आपको मकबरा के खिलौने भी दिलाए। चलो भाई, मैंने मंगाया उसने भी आ रहा है। हमें मंगवा लिए, फूड पांडा से मंगवाए। फूड पांडा से खिलौने आने लगे। हां हां, जाओगे? सब कुछ आता है फूड पांडा से, सब कुछ आता है। सच्ची वाला मंगा ले। हाँ, ब्राइड ऐसी हो गई, अभी ब्राइड को नहीं दिखा सकते। बाकी ईशान भाई बैठे हैं, आप अपने आप को दिखाना, लाइव में दिखाओ। ये देखिए भाई, ये है खाना। ये रायता है शायद इसके अंदर। मेरा आप बदल गई फूफो के घर आकर, घर नहीं चलना है। मैं नहीं आऊंगा घर। लो भाई, घर घर से हम अपने बच्चे ही लाए थे साथ में, लेकिन ये हमारे बच्चे ना रहे अब। ये हमारे बच्चे नहीं रहे, घर चलो। मना कर दो, तीन बज रहे रात के, तीन बज रहे, घर नहीं चलना। मुझे आपकी याद आएगी मीरब, मैं रोऊंगी। ऐसे नहीं बोलते, बोलो मम्मा कल आ जाऊंगी। कल आ जाऊंगी मम्मा, जा रही है फिर पापा के साथ। जा रही है मम्मा, दूर जा रही है। दूर जाओ, प्लेन में। बदल गए भाई, अपने बच्चे बदल गए। ये अपने बच्चे ना रहे। शादी आपको जाना है? ये देखे, ये मीरा जो के मेरे साथ आ नहीं रही थी और मुझे कह रही थी मैं वहीं रुकूंगी, इनको बड़ी बहन चाहिए। ये रही है, तुम आपके घर में लड़के ही लड़के हैं, बड़ी बहन चाहिए मुझे। क्या हुआ है, है? मुझे बहन चाहिए। मावर को लिया, मावर को, मावर को लिया और अरी बापी को। अरी बापी की तो शादी हो रही है ना अभी। मावर को और वानिया को लिया थे। सही है भाई, आज हमने बहुत सारी लड़कियां देखी ना, तो मीरब को थोड़ा सा वो हो गया कि मैं बहनों में रहूंगी। इतना वो हो गया, आई नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से लारे लप्पे देकर ना इनको लेकर आए। फिर हमने खिलौने ले लिया आपके, ये ले लिया, वो ले लिया। अब चिड़ रही है, मैं आपके पास नहीं सोऊंगी, आप मुझे क्यों लेकर आई है? बोलिए, मैं नीचे गद्दा डाल के सो दूंगी। मेरे साथ नहीं सोएंगी, मुझसे नाराज हो गई। बेटियां मम्मा के पास रहती है ना। अभी शादी में रुकने जाना, ठीक है? शादी, मेरी बापी की शादी में रुकने जाना, ठीक है? मम्मा आपके बगैर नहीं रह सकती ना, मम्मा को नींद नहीं आती आपके बगैर। मम्मा को मैं बेटी चाहिए। हमारी बेटी को क्या हुआ है? मैं दूसरी बेटी क्या हूँ? बड़ी बहने चाहिए भाई, ये कह रही है मुझे बड़ी बहने चाहिए, बात सारी है। सही, आप सुबह जाना, रात को आ जाना। सुबह जाना, आपके घर में सारे लड़के हैं, उनकी तरह बड़ी बड़ी बहने। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं घर पर, और जो है घर पर आने का मैंने मीरब को बहुत मुश्किल से सेट किया है, बहुत समझाया है, क्योंकि बच्चियाँ हैं ना, वो चाहती हैं कि हमें बहनें मिलें और खेलने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ मिलें, तो वो वाला ही हाल था। मीरब का बड़ा दिल कर रहा था अपने फूफो के घर रुकने का। खैर, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी, और मैं खुद नहीं रह सकती थी उसके बगैर, एक घंटा भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि हर सगा वो मेरे साथ साथ होती है। तो खैर, शादी वादी शुरू होगी तो फिर देखेंगे, कहीं रुक जाए एक आध दिन। लेकिन अभी वो बहुत रो रही थी, लेकिन समझाया तो उसे समझ में आ गया। कहने लगी, मैं मर सो नहीं सकती थी आपके बगैर, नींद नहीं आती। अब समझ में आ रहा है उसके। खैर, जो है बच्चे बच्चे होते हैं, ये भी कहते हैं, थोड़ी सी मोहब्बत मिलती है ना बच्चों को, तो बच्चे उधर ही हो जाते हैं फिर। तो वही हाल था, वो बहनें इतनी मोहब्बत कर रही थी सारी, तो मीरब का दिल कर रहा था भाई रुक जाए। और जो है अब खैर, हम लोग अब बहुत लेट हो गए आते आते घर पर, 3:30 बज रहे हैं। अब हम लोग सोएंगे और नींद आ रही है। अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को आज का ये
छोटा मोटा व्लॉग, क्योंकि जो है जो ब्राइड थी वो तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने आज इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब दोबारा होगा तो तैयार है ना प्रॉपर तरीके से, फिर हम उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपसे, उनसे मिलवाएंगे। और अभी ज़रा पेपर्स हो रहे हैं फाइनल्स, तो उसके बाद फाइनल्स पेपर ख़त्म हो जाएंगे फिर चलेंगे हम लोग दोबारा से। तो अरे यहाँ से तो हटें भैया, मीरम ने बहुत तंग करा है, सांस फूल गई मेरी अब तक उसको समझा के। खैर मिलते हैं अब आप लोगों से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो है अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, मस्ट 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 मस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।